हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 10th अलजेब्रा लेसन नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्रॉब्लम सेट 1। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है? सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/x तो नहीं है, तो इसको हम लोग 1/x के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 × 1/x प्लस 2/3 × 1/y इक्वल टू 1/6। तो जहां जहां पे 1/x है m कर दो और 1/y है तो n कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2m प्लस 2/3 n इक्वल टू 1/6। तो भी हमारा इक्वेशन नहीं बन रहा है। तो आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो 6 से एलसीएम लेकर के। तो ये हो जाएगा 2m प्लस 2/3 n इक्वल टू 1/6। सब में क्या करना है? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब यहाँ पे सब में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 12m प्लस ये 3 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम में, तो 2 × 4 n इक्वल टू ये कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो ये आ गया तुम्हारा 1। ये आया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अभी सेकंड इक्वेशन के लिए भी वैसे क्रिएट करो। तो ये क्या आ जाएगा? 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये तो दिया गया है। अब हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? 3 × 1/x प्लस 2 × 1/y इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो, 3 वैसे ही रहेगा, 1/x का क्या है? m प्लस 2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे n इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यही दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना, ये 2 इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 12m प्लस 4n इक्वल टू 1, ये आ गया इक्वेशन 1। उसके बाद यहाँ पे है 3m प्लस 2n इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे अपोजिट साइन भी नहीं है, अपोजिट साइन नहीं है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट सेम डिजिट नहीं है। तो जब सेम डिजिट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 12m प्लस 4n इक्वल टू 1, ये आ गया इक्वेशन 1। अब 2 में मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 6m प्लस 4n। देखो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 एंड यहाँ पे आ गया 0, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 आएगा। अब इसको देखो, अब सेम डिजिट हो गया है बट अपोजिट साइन नहीं है, तो अपोजिट साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस एंड माइनस मींस चेंज हो जाएगा, तो ये इससे कैंसल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 − 6, 12 − 6 कितना होता है? 6m इक्वल टू 1 − 0 = 1, सो दैट m की वैल्यू आ गई 1/6। अब यहाँ पे देखो, ये m की वैल्यू आई है तो हम लोग क्या करेंगे? अभी n की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट m इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन, किसमें भी रख सकते हो। देखो ये m n का है तो हम लोग यहाँ पे 3 पे रखते हैं इक्वेशन नंबर, सपोज हमने 3 में रख लिया, ये क्या हो जाएगा? 6m प्लस 4n इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 6 × 1/6 प्लस 4n इक्वल टू 0, सो दैट ये इससे कैंसल आ गया, 1 + 4n इक्वल टू 0, सो दैट हमारे पास क्या आएगा? 4n इक्वल टू 0 − 1, सो दैट 4n इक्वल टू −1, सो दैट n इक्वल टू आ गया −1/4। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास m की वैल्यू आ गई, ठीक है, हमारे पास m की वैल्यू आ गई है और n की वैल्यू आई, बट हमको x एंड y दिया गया, मीन्स हमको x एंड y की वैल्यू
फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखो री सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। हमारे पास क्या क्या आया देखो, एम की वैल्यू है 1/6 एंड एन की वैल्यू है -1/4। अब यहाँ पे देखो एम की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था 1/x, यहाँ पे आ जाएगा 1/x इक्वल टू 1/6। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, हो जाएगा 6 इन इक्वल टू x, सो दैट x की वैल्यू आ गई 6। सेम उसी तरीके से इसका भी कर लो, n का क्या हमने सपोज किया था 1/y इक्वल टू -1/4, यहाँ पे देखो माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 4 इक्वल टू -y, सो दैट y इक्वल टू आ गया -4। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे आंसर में लिख लो x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसी तरीके से हमको करना है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी वैसे करना है। यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूटिंग 1/2x+1 इक्वल टू m पुट कर दो एंड 1/y+2 इक्वल टू कर दो n। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7m+13n इक्वल टू 27। ये आया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या आ जाएगा, 13m+7n इक्वल टू 33। ये आ गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखो 2x+1 है, तो इसको हमने m सपोज किया, तो यहाँ पे 7m और यहाँ पे 13n और यहाँ पे भी 13m+7n इक्वल टू 33। मैं देखो 7 इधर है, 13 इधर है, 13 इधर है, 7 इधर है, तो क्या करोगे, वन टाइम प्लस कर लो और वन टाइम माइनस कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट क्या करना है ऐड करना रहता है। तो ये क्या होता है 20m+20n इक्वल टू 16। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 20। अब डिवाइडिंग बाय 20 करोगे तो क्या हो जाएगा 20m+20n इक्वल टू 16। 20 से डिवाइड कर दो, ये 20 से डिवाइड हुआ, ये भी 20 से डिवाइड हुआ, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल होने के बाद कितना आएगा, 3 आएगा। सो दैट हमारे पास आया m+n इक्वल टू 3। ये कितना आया हमारे इक्वेशन नंबर 3 आया। तो इक्वेशन 1 क्या है, 7m+13n इक्वल टू 27। ये है हमारा इक्वेशन 1। और सेकंड में क्या है, 13m+7n इक्वल टू 33। ये आया इक्वेशन 2। इसको क्या करेंगे, ऐड किए अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। तो यहाँ पे 7-13 क्या होता है, -6m। 13-7+6n इक्वल टू 27-33-6। अब इसमें सब में 6 है, तो इसको लिख लो डिवाइडिंग बाय 6। यहाँ पे क्या है, -6m+6n इक्वल टू -6। ये 6 से डिवाइड हुआ, ये 6 से डिवाइड हुआ और ये 6 से डिवाइड है, 6 से कैंसिल, सब जितने भी 6 से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, -m+n इक्वल टू -1, मीन्स 1 टाइम में जा रहा है तो -1। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों 3 और 4 इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, m+n=3। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। और -m+n=-1, ये है इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखो, अब सेम डिजिट भी है और अपोजिट साइन भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2n=2।
सो दैट एन की वैल्यू आ गई 2/2। 2/2 कितनी होती है? 1 होती है। एन की वैल्यू हमारी आ गई 1। पुट एन इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। एम एन वाला जितने भी हैं आप किसी में भी रख सकते हो। तो हम लोग रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है? एम प्लस एन इक्वल टू 3। सो दैट एम प्लस 1 इक्वल टू 3। सो दैट ये हमारा हो जाएगा एम इक्वल टू 3 माइनस 1। सो दैट एम इक्वल टू हो गया 2। एम की भी वैल्यू आ गई 2। री सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ एम एंड एन। तो यहाँ पे देखो एम इक्वल टू 2 आई है, ठीक है। तो एम हमने क्या सपोज किया है? एम है 1 अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जाएगा 2x प्लस 1। सो दैट 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 4x प्लस, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2। अब यहाँ पे देखो ये प्लस 2 है, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 2 इक्वल टू 4x। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 4x। अब ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू x। मीन्स हमारी x की वैल्यू आई माइनस 1 अपॉन 4। उसी तरीके से n का भी कर लो। n की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है। तो n का हमने क्या माना था? 1/y+2। तो 1/y+2 इक्वल टू 1। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। y इक्वल टू 1 में y प्लस 2 का मल्टीप्लाई हुआ। तो किसी भी चीज में 1 का मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है। अब यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ गया माइनस 1। y की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब यहाँ पे आंसर लिख लो। x इक्वल टू माइनस 1/4 एंड y इक्वल टू माइनस 1 इज द सॉल्यूशन। इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x y दोनों है। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लाइंग बाय x y इन इक्वेशन 1 एंड 2। मीन्स 1 एंड 2 में सब में क्या करो? x y से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले जो जो दिया गया वही लिख लेते हैं। x प्लस 231 अपॉन y इक्वल टू 527 अपॉन एक्स वाई। इसमें भी एक्स वाई का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी एक्स वाई का मल्टीप्लाई करो और इसमें भी एक्स वाई का मल्टीप्लाई करो। तो ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, ये वाई से ये वाई कैंसिल हो गया और ये पूरा का पूरा एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? 148 वाई प्लस 231 एक्स इक्वल टू 527। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 231 एक्स प्लस 148 वाई इक्वल टू 527। ये हमारा क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है? वैसे करना है मल्टीप्लाई 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इक्वल टू 610 अपॉन एक्स वाई। सब में क्या करो? एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स से एक्स कैंसल, वाई से वाई कैंसल और ये पूरा का पूरा कैंसल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 231 वाई प्लस 148 एक्स इक्वल टू 610। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं 148 एक्स प्लस 231 वाई इक्वल टू 610। ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब ये 3 एंड 4 को करना है हमको। तो अब देखो 231 एक्स प्लस 148 वाई इक्वल टू 527।
ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 और 148x प्लस 231y इक्वल टू 610, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ये देखो 231x, 231y, 148y, 148x। तो ऐसे सिचुएशन पे कभी भी टू टाइम करने का, वन टाइम में ऐड और सेकंड टाइम में सब्ट्रैक्ट। तो ऐड करोगे तो इसको कितना हो जाएगा, यक्स 9437 379x। तो ये हो जाएगा 379y और यहाँ पे हो जाएगा 7311। तो यहाँ पे लिखो डिवाइडिंग बाय 379x प्लस 379y इक्वल टू 1137 है, सब में 379 से डिवाइड कर दो तो 379, और यहाँ पे भी आ जाएगा 379। तो यहाँ पे देखोगे 379 से 379 कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होगा थ्री टाइम में, सो दैट हम लोग लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 3। ये बना इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करोगे, 3 एंड 4 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 231x प्लस 148y इक्वल टू 527। ये आया इक्वेशन नंबर 3 और यहाँ पे 148x प्लस 231y इक्वल टू 610, ये आया इक्वेशन नंबर 4। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। यहाँ पे क्या आएगा, 83x, यहाँ पे माइनस 83y, यहाँ पे माइनस 83। अब क्या करो, डिवाइडिंग बाय 83, डिवाइडिंग बाय 83, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 83x माइनस 83y इक्वल टू माइनस 83। तो डिवाइड किससे करना है, 83 से करना है ना, 83 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना होता है, 1, ये कैंसल हो गया, ये कैंसल हो गया, सो दैट हमारे पास क्या आएगा, x माइनस y इक्वल टू माइनस 1। ये आया हमारे इक्वेशन नंबर 6। अभी देखो इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 5, और यहाँ पे x माइनस y इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन नंबर 6। अगर इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर अपोजिट साइन, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2, सो दैट x की वैल्यू आ गई 2/2, 1, सो दैट x की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करो, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दो, अभी तक हमने 6 इक्वेशन बनाए ना, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो हम फिफ्थ में करते हैं, x प्लस y इक्वल टू 3, सो दैट 1 प्लस y इक्वल टू 3, 1 प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो दैट y की वैल्यू आ गई 2। आंसर में क्या लिखोगे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके आगे के सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।